हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू चैनल पावर साइंस हब। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास टेंथ के चैप्टर हैं वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो बहुत लेंथी है, तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक से। कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट करेंगे, सर्किट, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना कंडक्टर में, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसमें करंट पास हो सकता है। बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी चीज़ में, किसी भी कंडक्टर में, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरी डायरेक्शन में होगी, दोनों अपोजिट होंगे। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इज़ ए कॉन्टीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, मतलब ऐसा पाथ होता है, ये कॉन्टीन्यूअस होता है, मतलब ये कहीं से लगातार होता है और क्लोज्ड होता है, बंद होता है, जिसमें से चारों तरफ से करंट जो पास हो सकता है। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से कोई एक भी चीज़ ख़राब हो गई तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक करंट का। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट किया जाता है? आई से। करंट का हमें पता है, करंट को आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने करंट की डेफिनेशन भी पढ़ी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें बताया गया है रेट ऑफ फ्लो मीन्स कितनी, मतलब द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितना अमाउंट जो चार्ज है जितना फ्लो कर रहा हो इतने एक यूनिट टाइम में, उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो। तो इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे फ्लो होता है चार्ज का। यहाँ पे बैटरी दिखाई गई है, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अगर हम नेगेटिव से लेके चलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिव से लेके चलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? ये दिखाया गया पॉजिटिव से लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे फ्लो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट करते हैं, इफ़ ए नेगेटिव चार्ज फ्लोस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम देन। हमें इसने बताया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा? क्या बाय टी, क्या क्या होता है? क्या होता है चार्ज, और टी को किसे डिनोट करते हैं? टाइम से। इसमें बताया गया है आई इज इक्वल टू क्या बाय टी। आई हो गया इलेक्ट्रिक करंट, क्या इज द नेट चार्ज हो गया, और टी क्या हो गया? टाइम हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम चार्ज की और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का हमें पता है कूलाम होती है, करंट की क्या होती है? एम्पियर होती है। ये दोनों भी पता चल गया, करंट चार्ज की क्या होगी? कूलाम, और करंट की क्या होगी? एम्पियर हो गई। वन कूलाम किसके इक्वल होता है? 6×10^18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी कूलाम की पावर। और एम्पियर क्या होगा? एम्पियर की डेफिनेशन करेंगे, एम्पियर क्या होगा? हमें पता है एम्पियर किसकी होती है? करंट की। पहले तो हम करंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया? करंट हो गया। अब देखेंगे 1 कूलाम बाय पर सेकंड, जो ये दे रखा फॉर्मूला, ये क्या होता है? एम्पियर के इक्वल होता है। 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 कूलाम बाय 1 सेकंड। दिस मीन्स इफ 1 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ फॉर 1 सेकंड, इट वुड बी इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा? 1 कूलाम ऑफ चार्ज अगर फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। तो नीचे दिखाया गया स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन दो टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं हम इसको, मिली एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर में। मिली एम्पियर को कैसे लिखा जा सकता है? एम ए, और माइक्रो को कैसे लिखा जा सकता है? पी ए। तो इसकी वैल्यू दिखाई गई है, मिली एम्पियर की वैल्यू ये होती है 10^-3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर की क्या होती है? 10^-6 एम्पियर होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एमीटर क्या होता है। एमीटर के बारे में पढ़ेंगे, एन अपरेटस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। अब कोई पूछे कि करंट किससे मेजर किया जाता है, तो वो क्या होता है? वो होता है एमीटर से मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चार्जेस क्या होते हैं। चार्ज लाइक मास, द चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब कोई भी मैटर है, कोई भी वस्तु है, उस पर चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं। द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड वैन रब्ड विद सिल्क। अगर हम कोई ग्लास रोड लेके आए, उसको सिल्क पे रब करें, तो उसमें कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा।
और द चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रोड, अगर इबोनाइट रोड लेके हम उसको वूल पे, वूल के क्लोथ पे रब करें तो उसमें कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये दोनों चार्जेस याद रखने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे हम आगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या हो गए, जैसे ये प्लस और ये माइनस हो गया, ये क्या करेंगे, ये अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और ये जैसे प्लस प्लस हो गया ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये भी माइनस माइनस हो गया ये भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इसमें यही है, अनलाइक चार्जेस होंगे प्लस माइनस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज एंड इनवर्सली एज द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज। अब क्या दिखाया गया है, जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो टू चार्जेस के। टू चार्जेस हैं तो इसमें एक चार्ज को तो क्या उमन लिख दिया, चार्ज को किससे डिनोट किया गया है, क्या उसे, एक चार्ज को हमने क्या उमन लिख लिया, एक चार्ज को क्या टू लिख लिया। और जो ये आर टू है ये क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस है, तो ये किसका है, आर टू का डिस्टेंस, ये लिख रखा स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेज क्या वन एंड क्या टू। तो यह है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या वन मल्टीपल क्या टू बाय आर टू। आर टू क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का अगर निशान हटा दें तो क्या होगा, कॉन्स्ट के इज द कॉन्स्टेंट होगा, ये इसका बताया गया फोर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी, चार्ज की हमने बताई थी कूलम होगा, एम्पियर की क्या होगी, वो करंट की क्या होगी, वो एम्पियर होगी। तो कूलम को कैसे लिख सकते हैं, वन एम्पियर मल्टीपल वन सेकेंड। इसमें दिखाया गया था क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लो थ्रो ए सर्किट व्हेन वन एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रो इन इट वन सेकेंड इज वन कूलम चार्ज। ये बताया गया है, वन अगर वन एम्पियर ऑफ करंट हम फ्लो करेंगे इन वन सेकेंड में उस वो क्या बोलेंगे, उसको वन कूलम चार्ज बोलेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे जितने भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अमाउंट है, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे जितनी भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे कितनी अमाउंट में है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। और यही भी पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, अगर दो पॉइंट्स के बीच में देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है एनर्जी का, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टाज, उसको इसका दूसरा नाम क्या है, वोल्टाज है। इसको वोल्टाज को कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय चार्ज लिख सकते हैं। वोल्टाज को किसे, वोल्टाज को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किसे डिनोट करते हैं, वी से करते हैं। वी क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज। अगर वेयर डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, क्या क्या है, चार्ज हो गया। ऐसा यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वो होगी वोल्ट, ऑर्डिनेटेड किससे करेंगे, वी से करेंगे। किसके नाम पे रखा गया ये वोल्ट, ये इटालियन साइकिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा था, इसके नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है सिंस जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, सो वर्क की जो यूनिट क्या होगी, वो क्या होगी, जूल होगी। कूलम किसकी है, चार्ज की है। वन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वन जूल ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव ए चार्ज ऑफ वन कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देयरफॉर। अब वन वोल्ट किसके बराबर होगी, वन जूल बाय वन कूलम के बराबर होगी। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसको मेजर, एमीटर तो होता है करंट को मेजर करने के लिए, जो वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए होता है। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या है, ये देखने के लिए होता है कि सर्किट में करंट चल रहा है, डिटेक्ट करंट है या नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आगे टॉपिक्स देखने के लिए मेरे पार्ट टू को, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट टू को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।